होता है और हमारा जो सेंट्रल सीआईए की थीम है इस साल की वो है इंडिया राइज, इंडिया राइज। राइज इज आर फॉर रिस्पांसिबिलिटी, आई फॉर इंक्लूसिविटी। तो हम लोग का ये सोचना है कि कोई भी इंडस्ट्री पनप नहीं सकती अगर जो ग्रोथ हो रहा है वो इंक्लूसिव नहीं है, अगर हर तबके, हर सेक्टर, हर सेगमेंट के आदमी का तरक्की नहीं होगा तो इंडस्ट्री कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये सीआईए का मानना है और इस चलते हम लोग ने इस तरह की मीट ऑर्गेनाइज की है, खासकर झारखंड जैसे प्रांत में जहाँ पे जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल आबादी की है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उनकी ये प्रेरणा है हम लोग को। और सीआईए में हम लोग इसी जैसे मैंने बताया इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। अगर सबका साथ और सबका विकास नहीं होगा तो कोई भी विकास जो है देश में या स्टेट में माने नहीं रखेगा। हमारे सीएम साहब ने हमेशा सीआईए ने जो भी पहल की है इसमें सपोर्ट किया है और हमारे सीएम साहब जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ के एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं और बहुत क्लोजली हम लोग ने उसको देखा है इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी और बाहर के पर्सपेक्टिव से भी। हमेशा उनका यही कहना है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक सिटीजन हूँ और जब भी कभी इंडस्ट्री का कोई मुद्दा आया है तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि भाई ये बस्ती के लिए कितना फ़ायदा करेगा। इंडस्ट्री के लिए भी फ़ायदा होना चाहिए, बस्ती के लिए, कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदा होना चाहिए। हमेशा सीएम साहब ने ये प्रेरणा हम लोग को दी है और इसी चलते आज इंक्लूसिव ग्रोथ जो हम लोग झारखंड में देख रहे हैं और जो हम लोग सीआईआई के पर्सपेक्टिव से जो इनिशिएटिव यहाँ पे हो रहे हैं उसकी हम लोग बहुत बहुत सराहना करते हैं सीएम साहब की, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की और सारे सिटीजन जो उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग का सीआईआई डेलीगेशन सीएम साहब से मिलने गया था तो इंडस्ट्री की बात करने से पहले सीएम साहब ने बोला कि ये पटमदा एक एरिया है जहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो क्या सीआईआई कुछ ऐसा कर सकती है जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक नॉर्मल सिटीजन को के लिए मार्केट हो सके। तो जिस मुख्यमंत्री की ये सोच है एक इंडस्ट्री डेलीगेशन से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और उस फार्मिंग प्रोडक्ट को किस तरह फाइनल कस्टमर के पास लाया जाए ये चर्चा उन्होंने की और मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि सीआईआई ने स्पेशल टीम भेजी आपके मार्गदर्शन में पटंदा में, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत स्टडी की है और आप वहाँ पे जो सरकारी अफसर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है और कुछ रिकमेंडेशन हमारी हैं जो आपसे टाइम लेके हम लोग आपको प्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज़ सीएम साहब ने बोली कि स्किल डेवलपमेंट जो हो रहा है हम लोग बहुत सुनते हैं देश में, हमारे प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के बारे में सीएम साहब ने हमको गाइडेंस दी, बोले कि भाई इंडस्ट्री को कौन से ऐसे स्किल्स चाहिए जो स्किल डेवलपमेंट के बाद तुरंत नौकरी मिले लोगों को। फिर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा सोच के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री साहब की, जो उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री तो ठीक है पहले आप ये देखिए कि मैं जिनको ट्रेन कर रहा हूँ, जिनको स्किल डेवलप कर रहा हूँ उनको नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए सीआईआई शुड कंडक्ट अ स्टडी कि कौन से स्किल की ज़रूरत है जिसपे कि ट्रेनिंग पे जोर दिया जाए सो दैट एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इस पर भी सर हम लोग ने एक रिपोर्ट बनाई है कि कौन से स्किल झारखंड में, हम लोग ने एक सर्वे किया सारी इंडस्ट्रीज में और हम लोग एक रिकमेंडेशन देंगे कि ये 8-10 स्किल्स हैं जिसकी कमी है झारखंड में। आज ये एक बड़ी विडंबना है कि एक तरफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के पास सही काम करने वाले स्किल वर्कर नहीं है, तो इसका मैच कराना जरूरी है और सीएम साहब की गाइडेंस में ये स्टडी सीआईआई ने की है और बहुत जल्दी हम लोग ये रिपोर्ट सीएम साहब को और गवर्नमेंट को हम लोग सबमिट करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि इस रिपोर्ट से बहुत फायदा होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी और इंडस्ट्री को भी। आज की ये जो हमने मीट की है ये ट्राइबल डेवलपमेंट के जैसा आप लोग जानते हैं और हम लोग की ये कोशिश है कि हम लोग